हेलो फ्रेंड, आज हम सीखने वाले हैं अस्तर वाली सलवार की सिलाई है वो किस तरह से करनी चाहिए। इसके लिए सलवार की कटिंग है मैंने पहले कर ली है। देखो, ये हमारा अस्तर है, ये अस्तर है हमारा, ये सलवार है। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी सहायता से इसकी कोप की सिलाई करेंगे। उसके बाद हम इसकी हम सिलाई करेंगे या इससे करेंगे तो हमें कच्ची सिलाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी इस तरह से सिलाई करेंगे। ये हमारी कलियां हैं, देखो इस तरह से मैंने कटिंग कर दी। इसकी कटिंग है वो जैसी वो सलवारों की करती है वैसी इसकी कटिंग होती है। अब इसमें हम इस तरह से हम कोप ये डाल देंगे। तो ये डालेंगे तो ये कपड़ा वो इधर उधर नहीं जाएगा। इस तरह से देखो, ऐसे मैंने जैसे डाली है इस तरह से इसमें कोप डालने के बाद हम सिलाई थी। इसमें अब देखो कपड़ा है इधर उधर नहीं जाएगा, जैसे है वैसा देखो चिपका रहेगा, अब हिलेगा नहीं कपड़ा। अब हम इस जैसे नॉर्मल सलवार की सिलाई करती हैं उस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। अब मैंने इसकी कर ली है और बालों की कर ली है। अब इसमें ये जो बल्ट है, बल्ट की है वो भी इसकी पिन की सहायता से इस तरह से हम चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद इसकी सिलाई करनी है बहुत आसान हो जाती है। इस तरह से अब ये लेगा नहीं, इस तरह से सिलाई हो गई। अभी हम इसकी सिलाई करेंगे। अगर आप लोगों के पास पिन नहीं है तो इसमें इससे सिलाई से पहले इसकी धागे से या इस मशीन से इसकी कच्ची सिलाई कर ले, उसके बाद इसको अस्तर को जोड़ ले। अब इसमें ये हमारी कली है और ये हमारा बाला है। तो अब कली को बाले को इस तरह से ऐसे इस तरह से जोड़ देंगे। अब हम बाला और कलियां इस तरह से जोड़ेंगे जैसे औरों की जोड़ती है ना, बगैर अस्तर के इस तरह से हम जोड़ेंगे। अब मैंने चारों पार्ट एक साथ ले लिया है, ये दोनों पार्ट हो गए हैं, ये कली हो गई है, ये हमारा बाला हो गया है। तो दोनों को हम इस तरह से जोड़ेंगे। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को मेरे को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इस तरह से कली और बाला दोनों एक साथ जुड़ रहे हैं। अब इस तरह से देखो, फ्रेंड ये देखो, अब इसमें देखो पता ही नहीं चलता है कि ये अस्तर की है या सीधी सलवार है। जैसे एक पार्ट जोड़ा इसी तरह से अब दूसरी कली भी यहाँ पे हम जोड़ेंगे। अब फ्रेंड जैसे पहली कली जोड़ी इसी तरह से दूसरी कली भी जोड़ेंगे।
मैंने इसकी सिंपल सलवार की सिलाई के सीख के उसका वीडियो मैंने डाल रखा है और आज हम सीख रहे हैं कि इस तरह वाली सलवार की है वो सिलाई किस तरह से करनी चाहिए। अब इस तरह से हमने दोनों कलियाँ हैं वो जोड़ दी है। देखो अब जैसे ये जोड़ी है इसी तरह हम दूसरी कली और बाला है उसको जोड़ेंगे। अब इस तरह से हमने कली और ये दोनों कली है और दोनों बल्ले को दोनों पार्टों में इस तरह से जोड़ दिया है। ये हमारा एक पार्ट हो गया, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया, तो इस तरह से जुड़ेगी। अब हम बेल्ट कैसे डालती है सीखेंगे। इसके लिए पहले हम जो आसन है उनको जोड़ेंगे। ये जो हमारा ये आसन है इसको जोड़ेंगे। अब हमने अस्त्र और ये सलवार चर्म पार्ट एक साथ हमने ले लिया है और इस तरह से हम इसको जोड़ेंगे। अब जैसे ये जोड़ा है उसी तरह से हम दूसरा पार्ट जोड़ेंगे। अब पहले हम इससे बेल्ट को तैयार करेंगे। इसके लिए हमने डबल फोल्ड कर लिया है। पहले पीछे जो बीच में हिस्सा है इसकी हम सिलाई करेंगे। अब ये जो आगे वाला जॉइंट है उसकी हम सिलाई करेंगे। फ्रेंड ये हमारा बेल्ट है जो हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसकी उल्टाई करेंगे कि किस तरह से इसकी उल्टाई करनी चाहिए। ये जो यहाँ पे मैंने कोप डाल रखा है उसको इसकी उल्टाई के बाद फिर उठाएंगे इसको। अब यहाँ पे ये डाल रखा है तो ये इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से इसकी उल्टी करेंगे। दोनों इस तरह से उठाएंगे, दोनों कपड़ा एक साथ ही उठ जाएगा ऐसे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सिलाई से संबंधित कोई भी वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। पहले ही अगर उल्टन पहले कर देती है ना बाद में आसान हो जाता है। तो पहले इसकी उल्टन करने के बाद में मैं पहले इसकी उल्टन करती हूँ उसके बाद में बेल्ट जोड़ती हूँ। देखो हमने ये बेल्ट वाला उल्टन वाला है वो सिलाई कर ली है। अब हम सलवटी डालेंगे। अगर सिंपल सलवार है जिसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सलवार है वो अस्त्र वाली है, इसलिए पहले हम पीछे वाले में दो सलवटी डाल करके पीछे वाले को इस तरह से आधा हिस्से को इस तरह से जोड़ देंगे। अब ये वाला बीच वाला हिस्सा है तो जुड़ गए हैं दो सलवटी डाल करके, तो इसमें क्योंकि अस्त्र वाला कपड़ा इधर उधर नहीं जाए
इसलिए पहले पीछे वाले पार्ट को इस तरह से मैंने जोड़ दिया है। अब आगे वाले सलवटे डालेंगे। अब इस तरह से इस सल को उठाएंगे और ये बीच वाला सनवाला हिस्सा है यहाँ पे, इसको सलवटे को सलवटों के ऊपर रखेंगे और इस तरह से पहले दो तीन सलवटे हैं वो डाल लेते हैं। डालने के बाद फिर हम इसके ऊपर बल्ट रखेंगे। अब इस तरह से पहले तीन चार सलवटे है वो उठा करके, इतना कपड़ा उठा करके यहाँ पे आराम से यहाँ पे रखेंगे। अब रखने के बाद ये अब ये बल्ट है वो इस तरह से उठा करके इस कॉर्नर पे बीच में रखेंगे। अब यहाँ पे चार पांच सलवटे मैंने डाल दिए है। अब ये जो पिन डाल रखी है ये दोनों जैसे एक दूसरे को पकड़े हुए है और इस तरह से इस पर रखेंगे और इस तरह से इसमें सिलाई करेंगे। अब है वो ये बल्ट वाला दोनों ही चारों इस तरह एक साथ सलवटे डल रही है। अब यहाँ पे देखो ये सलवट डाल रखी है और इतना कपड़ा उठाएंगे यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और फिर इसको दोनों पार्ट को अस्तर और दोनों अस्तरों को एक साथ रखेंगे और इस तरह से फिर इसको यहाँ पे छोड़ करने के बाद इसे इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से ये सलवटे डालेंगे। अब ये जो बीच में बाला है यहाँ पे हम बीच में इस तरह से कट लगाएंगे ताकि ये बीचों बीच ये आ जाए। अगर इसमें पहले छोटी सिल डलती है कोई दिक्कत नहीं है, पहले छोटी डाल देते हैं उसके बाद बड़ी डालेंगे इस तरह से। फिर इन दोनों हिस्सों को इस तरह से उठाएंगे और इस तरह सलवटे डालेंगे। जैसे स्टार्टिंग में देखो इस तरह से अब सलवटे डल रही है। देखो इस तरह से सलवटे डलेंगे। अब अगर पहले हमने यहाँ पे सलवटे डाल दी थी पीछे वाली हिस्से में, अब ये आसान हो जाता है। यहाँ पे देखो एकदम परफेक्ट है वो आई है कपड़ा। अब जैसे एक साइड सलवटे डाली थी उसी तरह से हम दूसरी साइड भी सलवटे डालेंगे। इस तरह से हमने इस तरह वाली सलवार में हमें सलवटे डाल दी है। देखो प्रिंट कितनी सुंदर प्लेटेड ली है। ये हमारा बल्ट हो गया, इसमें कहीं पे भी कोई सलवटे नहीं है ना कहीं झोल है। अब हम साइड फिटिंग करेंगे। इसका मोरी पोछा का डिज़ाइन का मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है कि किस तरह से इसमें अस्तर वाले सलवार में है वो मोरी पोछा डिज़ाइन बनाती है, इसका मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है। अब इस तरह से हमने चारों पार्ट है एक साथ है वो सलवार की साइड की फिटिंग कर रही है। ये जो सलवार है इसके वाली बिल्कुल इसमें जब चोट डाल देती है या फिर पिन है वो अटैच कर लेती हैं तो बहुत आसान हो जाता है कि इसकी सलवार की सिलाई करना, ताकि उसमें ना कहीं झोल आता है। सिंपल सलवार सिल जाती है, इस तरह से सलवार हो जाती है। यहाँ पे हम देखो साइड फिटिंग कर रहे हैं। देखो अब हम साइड फिटिंग करने के बाद है
इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से थोड़ी देर सिलाई कर लेंगे। साइड फिटिंग है वो कर ली है और अगर आप लोगों को मेरे ये तरीका अच्छा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस तरह से हमने सिलाई कर ली है सलवार की। देखो फ्रेंड, हमारी ये अस्तर वाली सलवार है वो बन के तैयार हो गई है। देखो कैसी लग रही है। अगर आप लोगों को ये डिज़ाइन अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस तरह वाली सलवार है वो आपको कैसी लगी। ओके, थैंक्स फॉर योर टाइम।